केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी के बीच मतभेद ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। चर्चित मुजफ्फरनगर के लोकसभा सीट की धुरी अब सरधना बन गया है। मेरठ का ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा है, जो अब पूरे प्रदेश में प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। राधारना का ठाकुर चौबीसी यानी क्षत्रिय बहुल 24 गांव अचानक से राजनीतिक पलक पर उभर कर आया है। चर्चित मुजफ्फरनगर के लोकसभा सीट की धुरी अब सरधना बन गया है। मेरठ का ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा है, जो अब पूरे प्रदेश में प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। राधारना अचानक से राजनीतिक पलक पर उभर कर आया है। माना जा रहा है कि क्षत्रियों को राजनीतिक भागीदारी कम करने के पीछे जो आक्रोश इधर उधर पनपा है, उसका केंद्र राधारना ही रहा है। चर्चा है कि इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधारना को सभा के लिए चुना। राधारना विधानसभा सीट इस बार निर्णायक भूमिका निभाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने सीधे सपाट शब्दों में जिम्मेदारी देदी की पिछली बार की तुलना में दोगुना वोट चाहिए। मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कर चुके हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन राधारना के लिए उन्हें विशेष रूप से आना पड़ा। इन दिनों वे विभिन्न प्रदेशों में स्टार प्रचारक के रूप में सभा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसी में समय निकालकर इस विरोध का पटाक्षेप करने आना पड़ा। योगी ने अपने भाषण में स्वयं दो बार ये उल्लेख किया कि वो जम्मू से सीधे राधारना आए, यही नहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से संजीव बालियान और संगीत सोम का नाम लेकर पार्टी की परंपरा याद दिलाई कि व्यक्ति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब राष्ट्र धर्म के लिए सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता से लेकर सरधना की वीरता का भी बखान किया। हालांकि उन्होंने जातिगत दबाव को नकार कर परोक्ष रूप से हिदायत देते हुए कहा कि जिन्होंने जाति और सामाजिकता को छिन्न छिन्न किया, उनका समय समाप्त हो जाता है। बोले, जाति के सौदागर आएंगे और फिर सौदा करके चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।